दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ये अहम मीटिंग, राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अहम मीटिंग ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की। और आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि 18 जुलाई को इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, और उसके अलावा जून के एंड में लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की, और उससे पहले बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, उसका कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं। रविंद्र कुमार, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की यह अहम बैठक, इसमें आपको आपके पास इस खबर से जुड़े हुए एक तो और डिटेल्स क्या है, और राष्ट्रपति चुनावों को लेकर क्या नामों पर भी कोई क्लैरिटी अभी मिल पाई है? नाम पर भी देखिए, नामों को लेकर किसी तरह का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक डेवलपमेंट हुआ है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आज जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह तीनों ने मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं कयास लग रहे हैं कि क्या ये तीनों नेता वेंकैया नायडू को ये मना करने गए थे कि उनको राष्ट्रपति नहीं बना जा सकता, नहीं उपराष्ट्रपति रखा जा सकता, या फिर उनका प्रमोशन करके राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता। लेकिन सबसे उन सभी कयासों पर विराम लगेगा जब संसदीय बोर्ड में फैसला हो जाएगा कि उम्मीदवार कौन होगा, और इसकी घोषणा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देर शाम करें या फिर जिस दिन भी कैंडिडेट का ऐलान होगा इसी दफ्तर से, इसी हेडक्वार्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से होगा बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार। राष्ट्र में इस समय जो सियासी संकट है क्या माना जाए, उस पर भी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, नितिन गडकरी आज नागपुर में थे योगा दिवस के अवसर पर, वहां से ये आए हैं, बाकी संसदीय बोर्ड में अन्य 7 सदस्य हैं, और इस तरह की बैठक फिजिकल तौर पर काफी दिनों बाद हो रही है। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ साथ हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो रिसेंट डेवलपमेंट है उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि फैसला संसदीय बोर्ड को ही लेना होता है, किसी तरह का फैसला लेना होता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।